हेलो दोस्तों, आज हमारा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड आर 12.3 मीटर, 12.2 मीटर एंड 15.3 मीटर। एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा ए बी सी, तो इसकी एक साइड कितनी दे रखी, 12.3 मीटर दे रखी, ये 12.2 दे रखी और ये 15.9 दे रखी। ट्रायंगल दे रखा हमें कोई साइड का वो, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, पैरामीटर होता क्या, पैरामीटर होता है कि सारी साइडों को उसको प्लस कर देना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ए प्लस बी मतलब ये साइड, ये ए ले ली, ये बी ले ली और ये सी ले, तीनों को क्या करना, हमें सिंपली प्लस करना है, ठीक है। किसी का भी पैरामीटर होगा जिसने साइडें होती है उन सारों को प्लस कर, भाई वही मेरे पास रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाल। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके जितना, ये अगर टू फोर है, ये टू है, ये भी फोर होगा, ये टू हो, तो इन सबको क्या करना होता है, प्लस फोर टू सिक्स, सिक्स टेन और टेन ट्वेल्व, तो इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा, ट्वेल्व। तो इसी ढंग से हम पैरामीटर निकालते हैं। अब पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.3 है पहला, फिर 12.2 है, फिर 15.9 है। अब इनको आपको प्लस करना है, तो आप प्लस कर सकते हैं। आप साइड में 12.3, हमें पॉइंट का ख्याल रखना है, इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए, 12.2 और 15.9, 3 और 2 5 और 5 और 9 कितना होगा, 14 और कैरी यहाँ। तो पॉइंट यहाँ पे उसी के नीचे आएगा, जहाँ पॉइंट है वहीं पॉइंट आएगा, 1 3 5 और 5 10 का 0 कैरी 1 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 4 40, ठीक है। तो कितना रहा हमारा पैरामीटर, हमारा कितना रहा 40.4। इसको हम कह सकते हैं कि हमारा पैरामीटर कितना है, 40.4। थैंक यू।